इमाम शहीद हुए हैं उनकी याद में मुहर्रम का महीना मनाया जाता है, लंगर करते हैं, ताजिया निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि पीछे मेरे यहाँ पे ताजिया बन रहा है, मैरौनी कस्बे में लोगों ने ताजिया बनाना शुरू कर दिया है, मुहर्रम की तैयारी शुरू कर दी है। तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि ये ताजिया बनाने में इनका कितना वक्त लगता है और कब से ये शुरुआत करते हैं ताजिया बनाने की और किस तरह से ये मुहर्रम का महीना ये मनाते हैं। मुस्लिम समुदाय के लिए मुहर्रम का महीना की क्या मान्यता होती है, किस उद्देश्य के साथ मनाया जाता है? ये हम लोग हजरत इमाम हुसैन की याद में मनाते हैं और इससे हमारे मुस्लिम समुदाय की नए साल की शुरुआत होती है, इसलिए उन्हीं की याद में हम लोग ताजिया बनाते हैं। तो ताजिया मुहर्रम के अलावा भी बनती है क्या? नहीं, चहलम में बनती है, वो हम लोग हमारे इधर नहीं बनती, वो टीकमगढ़ में बनती है, हम लोग उधर जाते हैं देखने। तो मतलब ये जो ताजिया का जुलूस वगैरह होता है ये महीने साल में 2 महीने होता है ना, चहलुम और मुहर्रम? 2 महीने में होता है मुहर्रम और चहलुम। तो करबला करीम में शहीद हुए जो जंग में थी, इसलिए उनको याद करके हम लोग आज भी ताजिया बनाते हैं और ये हमारे दादा परदादा की जब से चला आ रही है तो हम भी बना रहे हैं, पुरखों से चला रहे हैं। तो ये मुहर्रम का महीना क्या होता है, गम का या खुशी का? ये गम का भी होता है और भी होता है कि हमारी नई साल शुरू होती है। तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ताजिया बनाने में? बांस है, गत्ता है, पेपर है, पैक है, थैंकोल है, मतलब तमाम चीज़ों का इसमें यूज होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर्याप्त हो जाती हैं? लोकल में मिल जाती हैं। कुछ चीज़ें जो है जो हम लोगों को बाहर से लानी पड़ती है, जैसे यहाँ अपने यहाँ अबरक नहीं मिलता जो मेन चीज़ है इसकी साइनिंग के लिए, अबरक वो यहाँ नहीं मिलता है, वो बाहर से मंगवाना पड़ता है। एक ताजिया में कितना खर्चा आ जाता है? एक इमारत बनाने में कम से कम 15,000 से 20,000 रुपए के बीच में लगभग यह खर्चा आता है। तो ये जो आप अपने लिए अपने लोकल के लिए बनाते हैं तो ये खर्चे कौन उठाता है? ये खर्चे जैसे हम लोग अपनी स्वेच्छा से बनाते हैं तो हमारा खर्च रहेगा, अगर आप लोग बनवाएंगे तो आपका खर्च रहेगा। जो अगर कोई कह के बनवाएगा उसका पैसा नहीं, सामाजिक ताजिया है उसका सामाजिक चंदा होगा, बनाने वाले को उसकी रकम दी जाएगी, वो आपको बना के देगा। जो हमारा निजी है उसमें हमारा पैसा पूरा लगेगा। अभी जो आपकी बस्ती का वो मिलजुल के लोग बनाते हैं? हाँ, वो मिलजुल के बनेगा, उसका ठेका दिया गया है। तो बना वहाँ पे होने के बाद मतलब शुरुआत कब से करते हैं? बकरीद के पहले भी कर देते हैं कभी कभार बाद में भी करते हैं, जैसा टाइम के ऊपर। आपने सीखा कहाँ से? सीखा हमारे गुरु जी, वो हम सबके गुरु हैं इस मामले में, हम उस्ताद जी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं, नहीं सिखाया है हम लोगों के लिए। कितना मतलब कितना टाइम इसमें देते हैं आप ताजिया बनाने में, दिन में कितना घंटे लगाते हैं? लगभग हम लोग फुल नाइट काम करेंगे। कितनी नाइट आपकी लगती है यहाँ पे इसमें? अभी तो तकरीबन लगभग 5-6 रातें हो चुकी हैं और इसके बाद 1 महीने में कम्प्लीट 10 रातें और लगेंगी इसमें अभी कम्प्लीट करने में। जो चीज़ें ताजिया बनाने में यूज होती हैं वो कहाँ से आती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं? जैसे ये बांस है जो बाहर से आता है, अपने यहाँ नहीं पाया जाता है, ये वहाँ से आता है असम, जो असम से आकर आता है ललितपुर से हम लोग खरीद के लाते हैं, इसको काटते हैं, छीनते हैं, फिनिशिंग लाते हैं बांस पर, इसको मिट्टी और धागे से बांधते हैं। कितने लोग लगते हैं इसको बनाने में? इसके खर्च वगैरह कैसे आता है? ये आता है 20-25 हज़ार रुपए का पूरा। तो ये कहाँ से मिलता है, कहाँ से इकट्ठा होता है? मतलब जो ठेका लेते हैं वो देते हैं। तो ये आपका खुद का है या किसी का बना रहे हैं? समाज का बना रहे हैं, ये मतलब जे भी जे समाज के हैं। तो बिना पैसे के बना रहे? नहीं, वो पैसे देते हैं बनाते हैं। अच्छा, पैसे में बनाते हो। कहाँ से सीखा आपने ये सब? सीखा है, बनते थे बस, बनाते बनाते सीख गए। कितने साल हो गए बनाते हुए? 4-5 साल से बना रहे हैं, पहले छोटे बनाते थे, बड़े बनाते थे, इस साल पहली बार बड़ा बना रहे हैं, अभी बना रहे हो पहली बार। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।